हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। शुरुआत करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बैंक की आज के इस वीडियो से। पार्ट फोर जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट फोर एक्चुअली है फोर्थ वीडियो इन द सीरीज ऑफ क्वेश्चन बैंक। सो क्वेश्चन बैंक का जो अपना सीरीज है उसमें चौथा पार्ट है ये, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो करने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन बैंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज जितना हम लोग सम कर पाए करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन करने के पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते, आप लोग मुझसे फेमिलियर नहीं हो, आप लोग को नहीं पता कौन हूँ मैं। सो let me tell you that I have 8+ years of experience in teaching. I provide many educational videos, many useful educational videos for many of my students on my channel, which is Aapka Tutor. This is the channel which you are viewing this video. Or 1100 videos are there on this channel. So by qualification, आपके सामने I'm a chemical engineer, I'm a process engineer as well. So having more than 98,000 minutes of views on an academy. So very soon I'll be completing 1 lakh views. So that is going to be a good achievement for me as well. So thanks. क्या बोलूँ, thanks के बारे में क्या ही बोलूँ, जाने दो, आगे बढ़ते। So my courses on CBSE and state board के लिए are available on this platform where an academy. ठीक है, so let us move on, आगे बढ़ते हैं। Yes, आपके सामने ये कुछ, ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, जहाँ पे आई हैव कोर्सेस, जो कंप्लीट कोर्स ऑन मैथमेटिक्स है, अर्ली प्रिपरेशन कोर्सेस, ये तो सीबीएसई की कैटेगरी है। महाराष्ट्र की कैटेगरी में और भी बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च हुए थे, ठीक है। सो दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो मेरा नाम अनअकैडमी पर, ब्रिजेश शर्मा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अनअकैडमी पे ही मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि मेरे कोर्सेस अवेलेबल है, जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। मैथमेटिक्स के कोर्सेस मैं करता हूँ। सो एज एन एजुकेटर, वी टू एजुकेटर्स, एज एन मेरा, मैं ब्रिजेश और शुभम सर, हम लोग दोनों मैथ साइंस लेते हैं एज एन ऑन अनअकैडमी। सो मैं मैथ्स एंड ही टेक्स साइंस ऑन अनअकैडमी। सो दिस इज The link to join. So, अगर जो बच्चा 10th standard में CBSE, 9th standard CBSE में है, वो join करना चाहे तो join कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a quadratic equation? ये पहला question है, ठीक है। So, बहुत ज्यादा time हम नहीं utilize करते हुए, बहुत ज्यादा time हम लोग यहाँ वहां ना गवाते हुए, we'll directly move on to the first question of this question bank. ठीक है। Now the first, which is the quadratic equation? What do you mean by quadratic equation? Quadratic equation वो equation होता है जिसका degree 2 होता है। Degree मतलब highest power. So अगर मैं इस equation की बात करूँ तो highest power is 3. This is not a quadratic equation. यहाँ अगर मैं बात करूँ तो highest power is 2. It is a quadratic equation. And बाकी तो ये linear है, and this is raised to 5. The degree is 5. उसका नाम तो है नहीं, it is a polynomial, general polynomial. ठीक है। So B is the option. Now let us move on to the next question, which is not a quadratic equation. Again, ये degree 2, highest power देख रहे हो आप, 2 है, that is, this is also quadratic equation. Why? Highest power is 2. This is a quadratic equation. No, it is not a quadratic equation. Why? Because the highest power, which is called as degree, is 3. ठीक है, so ये quadratic equation है. So this is your option which we are looking for. Okay, and this is a quadratic equation, yes, because degree is 2. Okay. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, गाइस आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ही वीडियोस ना देखें। आप आते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज आप नहीं जानते कितने काम की है, और ऐसा भी नहीं है कि इस चैनल पे एफर्ट्स नहीं है, राइट, एफर्ट्स बहुत है। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करो एज एन ग्रो करने में, ठीक है, इतना तो बनता है यार। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, सो व्हाट इज कंडीशन फॉर रूट्स टू बी रियल? सो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बोलते हैं ना हम लोग, इट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, दैट शुड बी इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल का कंडीशन है ये, ठीक है।
सो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंपेयर. सो आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से. अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ए का वैल्यू आता है 1, बी का वैल्यू आता है 2 एंड सी का वैल्यू आता है के. सो अब आप बी स्क्वायर माइनस 4 AC जो है ना, दैट इज इक्वल टू 0 यूज करोगे, बिकॉज रूट्स अगर रियल एंड इक्वल है तो उनका कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4 AC इज इक्वल टू 0. सो बी इज इक्वल टू 2, विच इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी विच इज के, दैट इज इक्वल टू 0. 4 माइनस 4 K इज इक्वल टू 0 एंड हेंस वी आर गेटिंग 4 इज इक्वल टू 4 K एंड K इज इक्वल टू 1. सो इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, योर K का वैल्यू इज ऑलवेज 1. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, इजी है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बने रहे मेरे साथ और अपना कॉन्सेप्ट रिफाइन करते जाए. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट डू मीन बाय डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4 AC. ठीक है, सो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो इफ यू कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको ए का वैल्यू 1 आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1. आपको बी का वैल्यू आएगा माइनस 2 और सी का वैल्यू आएगा माइनस 3. सो अगर आप देखोगे बी स्क्वायर माइनस 4 AC विच इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, सो ये हो जाएगा 4 प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 16 एंड 16 इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4 AC. सो आप लोग को डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिल गया, करेक्ट. आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट -3 एंड -5. सो इसमें किसका रूट है -3 एंड -5. देखो अगर -3 एंड -5 रूट हैं, सो क्या बोल सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -5 बोल सकते हो आप? कैसे बोल सकते हो, क्योंकि ये अल्फा एंड बीटा ही होते हैं, दोनों रूट्स है ना, वो दिए हैं आपको, तो अल्फा और बीटा होता है. आप अल्फा -5 को भी ले सकते हो, बीटा आपको आप -3 ले सकते हो. ठीक है, आज अल्फा और बीटा चूंकि रूट से, इनका यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो उसका आपका फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0. ये आपका फॉर्मूला है फॉर टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग अल्फा एंड बीटा दैट इज रूट्स. सो देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज -3 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस ये -8 एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी आर लुकिंग अबाउट. योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है, इट इज सो इजी, बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी भी बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइस लाइक जरूर करते रहो वीडियो, बहुत ज्यादा जरूरी है. प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सपोर्ट मी इन माय मिशन इन माय विजन. ठीक है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल नीडी स्टूडेंट्स, प्लीज डू सब्सक्राइब एज वेल. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. If one of the roots of a quadratic equation x square minus kx plus 27 is equal to 0, x square minus kx plus 27 is equal to 0 is 3. So one of the root is 3. What do you mean by one of the root is 3? मतलब वो जो value है ना root का 3, वो satisfy करेगा किसको, उस equation को. ठीक है, so आपको क्या करना है, 3 का value x की जगह पे डालना है. 3 square minus k into 3 plus 27 is equal to 0. सो हो जाएगा 9 माइनस 3 के प्लस 27 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर -3 के प्लस 36 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर -3 के इज इक्वल टू -36. सो आपका k का वैल्यू हो जाएगा 12. व्हाट इज द k का वैल्यू, 12. ओके, इट इज सो इजी गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, k का वैल्यू इज 12. ओके, सो योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो 6 क्वेश्चन किए हैं हम लोग एंड प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू ऑल गाइस. ठीक है, बहुत यूजफुल होने वाले ना. अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज टू, वाई? हाईएस्ट पावर टू होना चाहिए, हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री. सो डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज थ्री. सो थ्री इज द डिग्री ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन और वन इज द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग गाइस, समझ में आ रहा है आप लोग को? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अगेन ये वन मार्कर का ही है, ये वन मार्कर के टाइप का ही है इक्वेशन, तो इसको भी सॉल्व करते हैं. लेट अस सॉल्व दिस. राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी. सो देयरफॉर, बहुत सिंपल है यार, देखो फोर वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो फोर वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो. इसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म. So comparing with standard form. Standard form से compare करेंगे, क्या है standard form, ax square plus bx plus c is equal to zero. So आपको अब देखो a का value क्या आ रहा है, 4. See यहाँ पे x है और ऊपर y है. So y क्या है, y भी आपका variable है. So a का value 4, b का value minus 3 and c का value 7. So this is the value of ए बी सी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू. राइट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बड़ा ही सिंपल है. जब आपको p माइनस फाइव इंटू पी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एंड जीरो दिया ना, सो p माइनस फाइव हैज टू बी जीरो और p प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. So p is equal to 5 or p is equal to minus 3, and these are the roots. So 5 and minus 3 are the roots of this quadratic equation, which will be formed from these. ये जो brackets हैं इससे बन जाएंगे, open करके. ठीक है, question number 3 की तरफ बढ़ते हैं. Now a का value is 1, b का value is 4, c का value is minus 5. Find the values, value of b square minus 4ac. बड़ा ही सिंपल, इसको बोलते हैं discriminant. किसको, b square minus 4ac को discriminant बोलते हैं. अच्छा, what is b? 4. Car square minus 4 into a is 1, c is minus 5, that is equal to 16, minus into minus is plus, plus 20, that is equal to 36. So 36 is the value of discriminant. ठीक है, बहुत इजी है. क्या डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. समझ पा रहे हो गाइस? सो क्वेश्चन नंबर 1 का बी का फोर्थ करने जा रहे हैं. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो. उसने बोला है कि ये दोनों कंडीशन है ना, बताओ कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा. तो क्या होता है बताए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स दैट roots are real and unequal, distinct. Roots are real and unequal. And agar b square minus 4ac is less than 0, matlab roots are not real. Roots are not real. ठीक है? So b square minus 4ac अगर आपका greater than 0 है, तो roots are real and unequal. या roots are real and distinct. And b square minus 4ac is less than 0, तो roots are not real, they are imaginary. ये condition आपको याद रखनी पड़ेगी. Next question, write the given quadratic equation in standard form. Very simple, आपका जो equation है, m into m minus 6 is equal to 9, आप bracket open करो, से हो जाएगा m square minus m into minus 6 is 6m is equal to 9. से हो जाएगा m square minus 6m minus 9 is equal to 0. So ये आपका quadratic इक्वेशन है. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. समझ रहे, आगे बढ़ते हैं. नाउ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2a, 2 मार्क्स वाले हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. So, आप लोग देखो, मैं तो आपको पहले साइड में सॉल्व करके बताऊंगा क्या होगा बेसिकली, आपको करना कैसे. सो आपको दिख रहा है 20, सो 20 का फैक्टर ऐसे पढ़ना है आपको, 20 का फैक्टर ऐसे पढ़ना है आपको कि माइनस करने पर 8 आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव.
माइनस करने पर पॉजिटिव रेट आना चाहिए। तो 10 टू जब 20 करोगे तो 20 हो रहा है, लेकिन जब आप 10 माइनस 2 करोगे तो 8 आएगा, तो माइनस करने पर 8 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x कॉमन x प्लस 10 माइनस 2 कॉमन x, साइन चेंज हो जाएगा जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो। सो एक्स प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। So therefore x plus 10 एक ब्रैकेट में, x minus 2 दूसरे ब्रैकेट में, so therefore x plus 10 is equal to 0 और x minus 2 is equal to 0, so therefore x equal to minus 10 और x equal to 2, so x equal to minus 10 और x equal to 2, so यहाँ हो जाएगा x minus 2 और यहाँ पे क्या हो रहा है x into x plus 10, so यहाँ पे देखो minus 2 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो क्या होता है ना एग्जामिनेशन में, इसको रफ में सॉल्व कर लिया करो, आप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, रफ पेपर उठाओ और धड़ाधड़ सॉल्व करना चालू करो, बाद में आप फिल इन द ब्लैंक्स करते जाओ, आसान हो जाएगा, नहीं तो कैसे है कि टाइम ले सकता है, इट माइट टेक टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2A का सेकंड करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे। सो आप लोग देखो, देखोगे तो अगर इसको कंपेयर किया ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो आप लोग को a का वैल्यू 4 आ रहा है, b का वैल्यू माइनस 5 आ रहा है, c का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है। सो b स्क्वायर माइनस 4 ac हो गया आपका माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 25 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, दिस इज 25 माइनस 48, दिस इज 4 इंटू 4 एंड b का वैल्यू इज माइनस 5, देखो फिर ना ब्लैंक्स हो गया। और अब 25 और 48 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 23, नेगेटिव में आंसर आएगा, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, माइनस 23 से आंसर, माइनस 23 करेक्ट, इजी है। आगे बढ़ते हैं, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वेरी इजी। आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0, सो आप x का वैल्यू कितना डालोगे, माइनस 6, क्यों, क्योंकि एक रूट है, माइनस 6 इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस k इनटू माइनस 6 प्लस 54 इज इक्वल टू 0, दिस इज 36 माइनस 6k प्लस 54 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर ये हो जाएगा 36 प्लस 54 इज इक्वल टू 6k, सो 6 4 10 5, 6, 90. So 90 is equal to 6k. If you see k is equal to 90 upon 6, this is equal to 15. So k is equal to 15. ठीक है? समझ में आ रहा है? Minus 6k plus 90 है यहाँ पे. और ये हो जाएगा 36. बस आपका x equal to minus 6 डालना है यहाँ पे. So आधे आधे मार्क्स का होता है, देखो हाफ ऑफ मार्क्स का है ये आपका सारा का सारा ब्लैंक स्पेस भरने के लिए, आसानी से आपको मिल जा रहा है 2 मार्क्स, सो इट इज नॉट गोइंग टू दैट टफ, आप कर सकते हो, यू कैन सॉल्व इट, ओके, समझ पा रहे हो आप। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिविटी बेस्ड, टू डिसाइड वेदर 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, जस्ट कंप्लीट द एक्टिविटी। सो वन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या नहीं, सो आप लोग क्या करोगे, एलएचएस लोगे, ये इक्वेशन का जो इक्वल टू के लेफ्ट का पार्ट है ना वो एलएचएस है, उसमें क्या करोगे आप पुट करोगे वन, एक्स इज इक्वल टू वन, तो वन स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, सो ये आपका आरएचएस आ गया। जब आपने एक्स का वैल्यू 1 डाला सो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया एक तरह से आरएचएस और एलएचएस, सो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इजी है, समझ पा रहे हो गाइस आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी करते हैं, अभी सॉल्व दिस फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड,
बहुत इजी है, फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। 3p² + 8p + 5। सो आप लोग को 5 × 3 करना है पहले। क्या है 5 × 3? 15। और उसके बाद 15 का फैक्टर्स ऐसे पढ़ने हैं कि प्लस करने पर +8 आना चाहिए। सो ऑब्वियसली 5 × 3 = 15। क्यों? क्योंकि आप 5 और 3 को जब प्लस करोगे ना तो +8 आएगा। तो हो जाएगा 3p² + 5p + 3p + 5 = 0। सो देयरफॉर नो कॉमन, खाली p आएगा। दिस इज 3p + 5 + 1 × 3p + 5, दैट इज इक्वल टू 0। सो 3p + 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में p + 1 = 0। सो देयरफॉर 3p + 5 = 0 और p + 1 = 0। सो देयरफॉर p = -5/3 और p = -5 -1। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी है, इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आप लोग का सॉल्यूशन हो गया और p के वैल्यूज आ गए। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। बहुत इजी, आपका वन ऑफ द रूट्स इज -3। सो मतलब आपका इक्वेशन है x² - kx - 15 = 0। आपका वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3, सो x = -3 पुट करोगे। ठीक है, सॉल्व करो। -3 का स्क्वायर इज पॉजिटिव, दिस इज -(-)+, तो हो जाएगा 3k - 15 = 0। देयरफॉर 3k, अच्छा 9 - 15 - 6 होता है, सो 3k = 6 को वो साइड डाल दिया, प्लस हो गया। k = 6/3 = 2, सो k का वैल्यू आपका 2 आ गया। ठीक है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3, देन वैल्यू ऑफ k इज 2। इट इज वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है गाइस। एज अ रूट्स सी कंपैरेटिवली मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन टाइम के, और अब तक आप लोगों ने सारी पढ़ाई कर ली होगी। इस पर्सपेक्टिव से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4 and -5, देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो 4 and -5 आर द रूट्स, सो अल्फा हो गया आपका 4 और β = -5। आपको चैप्टर में ऑलरेडी देखा होगा। सो जब भी दो रूट्स देंगे, एक को अल्फा लेने का और एक को बीटा लेने का। बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का एक फॉर्मूला है, β(x) + α(β) = 0। सो x² - α + β(x) + α(β) = 0। सो आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 4 - 5x + 4 × -5 = 0। सो ये हो जाएगा x² - 4 - 5 - 1 होता है, और ये हो जाएगा -20। हो जाएगा x² + x - 20 = 0। x² + x - 20 = 0 = quadratic equation which we are looking for। ठीक है गाइस, वीडियोस को लाइक करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो और शेयर प्लीज करो यार, प्लीज करो शेयर, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही मत आप आ जाते हो फिर बाद में सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब दिखता है मुझे। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है, एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब आप पहले ax² + bx + c से कंपेयर करोगे। ये है स्टैंडर्ड, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे आपको a का वैल्यू आएगा, b का वैल्यू आएगा और c का वैल्यू आएगा। बाद में आप b² - 4ac = 0 लिख दो। क्यों? क्योंकि जब भी रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं ना, b² - 4ac = 0। सो b इज k का स्क्वायर माइनस 4 × a = 3 एंड c इज 12। This is equal to 0. So therefore, k² - 144 = 0. So therefore, k² = 144. Therefore, k² - 12² = 0. So therefore, k ho jayega a + b × a - b. सो k + 12 = 0 और k - 12 = 0। सो k = -12 और k = 12।
ठीक है। सो आपका के का वैल्यू -12 आ रहा है या के का वैल्यू 12 आ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड ये आपका वैल्यू ऑफ के, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सो मोस्टली दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, लेट अस सॉल्व। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 एंड -4, सो अल्फा इज गिवन एज 5 एंड बीटा इज इक्वल टू -4। मैंने क्या कहा आपको, अगर आप लोग को रूट्स दिए हुए हैं सो उनको अल्फा और बीटा लो, क्यों, क्योंकि उससे ही आपको इक्वेशन फॉर्म करने का मौका मिलेगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 माइनस 4 एक्स प्लस 5 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। ओके, समझ पा रहे हो आप लोग, आप लोग समझ रहे हो मेरा ये सॉल्यूशन कराने का तरीका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज बस इतना ही टाइम है फिलहाल, और आपको नेक्स्ट वीडियो अभी जस्ट कुछ ही समय में मिल जाएगा, बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे, फटाफट ही लाने की कोशिश करेंगे वीडियो, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल अमंग योर फ्रेंड्स, टेल देम दैट यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मिल रहा है, और लाइक करे बिना मत जाना प्लीज, आपकी जिम्मेदारी है हमारे जैसे एजुकेटर को आगे बढ़ाने की। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 आपको तुरंत मिल जाएगा, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वैसे ये पार्ट 4 वीडियो था क्वेश्चन बैंक का, सो पार्ट 5 विच इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड पार्ट, ठीक है, अभी आपको कुछ ही समय देखने मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय गाइस, एंड हाँ स्ट्रेस मत लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लेना गाइस, ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।